तो गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी खास प्रकार की अवधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियां का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में छुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। कैरियर में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही प्राप्त होता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके कैरियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अब से बात करते, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांध कर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं, ये फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांध कर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा
और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में पिसी हुई हल्दी की एक छुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। यदि कैरियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका कैरियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे उसके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप यह करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक छुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा यदि आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर, आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए, प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक छुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचो प्रचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें, ऐसा यदि आप हमेशा करते तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित प्राप्त हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है,
और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से ये काम करते हैं, बात करते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको किस प्रकार से हल्दी का प्रयोग करना, यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं, जैसे आप आटे की दो लाइन बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो के रखी है रात की तो या फिर दो घंटे पहले भिगो दे और उस लोई के बीच में रखें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं तो वह दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोग को जरूर करें, ही छोटे बहुत ही सरल और बहुत अचूक प्रयोग है।